फ्रेंड्स, अगर आप कुमार शानू जी के सच्चे भक्त हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। काइंडली वीडियो में कोई कमेंट्स अगर कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा, पूरा एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा मकसद ये इस वीडियो को बनाने के लिए नहीं था, एक जाने माने आपका म्यूज़िक डायरेक्टर काफ़ी कुछ दिन से पहले, मतलब एक महीना डेढ़ महीना पहले एक वीडियो उन्होंने शेयर किया था जो मेरे पास नोटिफिकेशन आया था। तो उस नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने उसका वीडियो देखा, एक कमेंट्स भी किया। उसके बाद मेरा मन में विचार आया जे मैं इसको लेके एक वीडियो बनाऊँ। उसके बाद मैंने देखा जो वही सेम कंपोज़र, हालांकि बहुत ही जाने माने कंपोज़र है हमारे बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के, उन्होंने फिर दूसरा एक चैनल में सेम कुमार शानू जी के बारे में बहुत बड़ा बुरा जो भी है उन्होंने अपना भड़ास को निकाला। तो मैं आज में उनका हर एक कमेंट्स का लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा, और अगर ये मेरा चैनल डिमोनेटाइज होता है या तो स्ट्राइक आता है, हो जाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं है। जो सही है वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा। मैं हालांकि कभी करता नहीं हूं ये सब चीज। तो मैंने देखा जे एक जो आपका निर्दोष व्यक्ति होता है, आप उसी को लेके पब्लिकली आप एक मीडिया के चैनल में, फुल मीडिया चैनल में आप जो भी आपका मन में आया आप वही बात बोल रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है ना। एक इनोसेंट, वो तो कभी भी किसी के बारे में शानू जी ऐसा बात नहीं करते। आपने क्या बोला है, हम एक एक चीज को नोटिस करेंगे और एक एक चीज का लाइव प्रूफ हम आपको जरूर दिखाएंगे विद लाइव प्रूफ। अगर कोई इसे गलत साबित कर दे तो मैं यूट्यूब करना छोड़ दूंगा, सिंपल सा बात है। सो हम टाइम नहीं ज्यादा लेंगे आपका, मैं जस्ट आपको वो चीज का डेमो दिखा रहा हूं। हाँ, और काइंडली ज्यादा आप लोग इसे शेयर कीजिए। आप लोग जितना भी इसे शेयर करोगे उतना ही ये सबके पास जाएगा, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सीमित सब्सक्राइबर है ना, तो उस सब्सक्राइबर का अंदर में नहीं चाहिए मुझे, हर आदमी को ये वीडियो देखना चाहिए जो मैं बना रहा हूं। काइंडली आप उसे नोटिस कीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं काइंडली। तो फर्स्ट वीडियो उन्होंने जो बनाया है एक चैनल में आके, उन्होंने ये बोला है कि लता जी को मेरा ये गाना बहुत पसंद आया था, मैं साथ में खड़ा होके गाया। लता जी ने गाया, तो उसी उन्हीं के हिसाब से सोचना चाहिए था, पड़ता था कि ये लता जी आज गा रही हैं तो आज और कोई नहीं। बाकी हम सब बाकी सिंगरों को पहले कर लेते थे अगर okay, गाने okay, होते थे। वेरी गुड। सिर्फ एक गाना उदित जी ने साथ में गाया था उनके, वो साथ में भी मतलब सेम डे में हुआ था, मेहंदी लगा के रखा। और ये भी बात एकदम झूठी है कि मैं आधे घंटे में बात झूठी है। ओके, हमारा तो कोई गाना किसी से करना। वेरी गुड। आपको पता है कि हम एक सिंगिंग फैमिली से हैं, हमारी डबिंग बहुत इलेबोरेट होती है, तो ये कह देना कि मैं आधे घंटे में गा देता हूँ हमारा गाना, कुमार शानू से बहुत ज्यादा तेज है। Obviously, so is a very good singer, सभी को पता बहुत ही लाजवाब है। वो भी आराम से गाते थे और हम अपने हिसाब से डबिंग करते थे, कभी आधी घंटे में तो किसी ने नहीं गाया हमारे, तो मतलब मैंने विकिपीडिया को भी आप झूठा डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं सभी सभी सिंगर के साथ ऐसा होता है बिकॉज। और आप ये भी सोचिए कि जितने सिंगरों ने हमारे गाने गाए हैं, हमारे साथ जो गाए हैं, उनके लाइफ के बेस्ट अवार्ड उन गानों में मिले हैं, बिकॉज़ हम दोनों भाई गाते हैं, सिंगिंग फैमिली से हैं। ये आपने सच्ची बोला है, अवार्ड विनिंग गाना ही गाए। और मां शानू की भी कितनी सिंगिंग है, आपको सब पता है शानू दा के बारे में। कौन सा गाना गवाना है, हम लोगों को इस चीज का आइडिया था। उदित नारायण के साथ हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मगर उनकी आवाज हो रही है, उदित नारायण की आवाज ओरिजिनल है पर्टिकुलर। और बाकी तो देखिए किशोर कुमार की कॉपी के तो कई सिंगर हैं, तो हमने सब कुमार शानू जी और सब बाकी सिंगर सब कॉपी है, किशोर दादा के सामने कोई मतलब आसपास भी नहीं है। ओके ओके, तो कभी-कभी उनको गवा दे। तो आपने बताया जे कुमार शानू इज अ वेरी नॉर्मल सिंगर और एवरेज सिंगर में कुमार शानू आते हैं, बहुत ही अच्छा बताया आपने। और आपने बोला है जे ये आपका ठीक से वो गा नहीं पाते और झूठ बोलते हैं 20 के। अच्छा, तब एक लाइव प्रूफ में आपको दिखा रहा हूँ, wikipedia.org। तब आप इसको भी झूठा ये करोगे,
कुमार शानू जी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द ईयर ऑफ 1993 में एक दिन में 28 गाने को गाया था और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को हासिल किया था। गुरु जी आप किसे बोल रहे हो? आप शानुदा के बारे में बोल रहे हो। आपको पता है शानुदा 90s के इरा के ही इज द किंग, ही इज द मास्टरपीस ऑफ द टाइम। आप उसे पब्लिकली उछाल रहे हो। शानुदा ने तो कभी भी किसी को भी कोई कंपोजर के बारे में किसी किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहा। हालांकि कुमार शानू के खुद के अपने YouTube चैनल है, अगर चाहे तो शानुदा बहुत कुछ बोल सकते थे। शानुदा अच्छा आदमी है बोल के आप लोग जो इच्छा करोगे ना, हम लोग कुमार शानू के फैन हैं, छोटे से लेके बड़े हम लोग शानुदा के गाना सुन के बड़े हुए हैं। आज भी जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, शहरों में गांव में गलियों में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स अभी भी हैं जिसका घर परिवार उसका संसार कुमार शानू जी के गाने से ही चलते हैं। और आप बोल रहे हो जी एवरेज सिंगर है, हाउ फनी। सो हम लोग आपका सेकेंड इंटरव्यू अभी देखते हैं। आपने सेकेंड इंटरव्यू में कभी नहीं गवाया, यश चोपड़ा दी ने कभी नहीं गवाया, और कुमार शानू का आपका इस बैनर में लास्ट गाना था दिलवाले दुल्हनिया। आप ये झूठ बोल रहे हो। दम लगा के हाइशा जो मूवी है जो आदित्य चोपड़ा के है, उस मूवी टोटली बेस्ड ऑन कुमार शानू म्यूजिक। ओके, तो आप जाके अनु मलिक से ये बात पूछो। और पहले जो लता दीदी के वर्षन आते थे जैसे यश चोपड़ा बैनर में, तो ये फर्स्ट टाइम में वो गाने का फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है वो शानुदा का गाने से ही स्टार्ट हुआ। और आपने जो बोला है जो वहां पे कुछ अनबन सा हो गया था, अनबन ये हुआ कुमार शानू जी ने यश जी का स्टेज पर चेंज बोली थी एक इंटरव्यू में, तो उन्हीं सेटा राज यश चोपड़ा पसंद करते हैं जो नाम वही मछुरे এটাই ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড ছিল। মানে ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ডটা পাই সিঙ্গারস হে জো গাওয়া মোর ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড কি করতে শাও দিতে হে এটা একটা রেকর্ড পাঁচটা হয়ে গিয়েছিল ছটা হয়ে যেত তো ওটা পাইনি কোনো ব্যাপার না ওই থা যে মে গানা করব তুই দেখো তো জানা শোনা 95 এ পারিশ্রমিক হে তারপর 2005 পর্যন্ত আমার হিট গান বেরিয়েছে অফিস মুঝে চাইয়ে থা তো ইহি বাত চোপড়া কি করে চোপড়া ইজ গুড ম্যান বাট টাকা চোপড়া একটু অন্যায় হয়ে গিয়েছিল ভাই खुद का महान ऐसा नहीं होता है। आर डी बर्मन आपसे कई गुना खुद का बहुत ही बढ़िया कंपोजर है। बापी लाहिड़ी बहुत ही बढ़िया कंपोजर है। सोलिल चौधरी बहुत ही बढ़िया कंपोजर है। आपके सबको ऐसा बोल दो आप खुद का आपका गाने का बेस्ट गाना है, अब क्या बोल रहे हो? और आपने बोला है जो लता दीदी नहीं गाया। हाँ आपने ठीक बोला है, लता दीदी के साथ शानुदा ने नहीं गाया, ये तो आपका कविता कृष्णमूर्ति ने भी बोला था। एक आपका जो सोनी टीवी में जो प्रोग्राम आता है उस प्रोग्राम में मैं उसी का भी आपको दिखाऊंगा, मैं हर एक चीज आपको लाइव दिखाऊंगा। ये देखिए सोनी टीवी में। सर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि इतने सारे गाने आपने एक साथ गाए हैं, डुएट्स गाए हैं, कमाल कमाल के गाने गाए हैं, तो आप लोगों को एक साथ रिकॉर्ड करने में कितना मजा आता था? अच्छा मैं तो बोल दूंगी, मुझे जो बोलना है पहले उनको बोलने दो, शानू जी को बोलने दीजिए, फिर मैं देखती हूँ मैं क्या जवाब देती हूँ उसका। बहुत मजा आता, बहुत मजा आता, बहुत बहुत आगे आगे आगे। आप कुमार शानू को टच कर रहे हो। आपको पता नहीं है शानू जी इतने महान एक कलाकार है, इतने महान एक इरा के सिंगिंग सेंसेशन है, ये आपने ठीक नहीं किया। मैं लाइव प्रूफ आपको बताऊंगा, हर एक चीज लाइव दिखाऊंगा और सब मिला कलेक्ट किया हुआ लाइव है हर एक चीज। उसके बाद ये तो आपका हो गया। अभी मैं जो दिखाऊंगा शानुदा और एक टीवी में आए थे, तब आपने क्या बोला था, तब आप लोग दोनों भाई एक साथ में थे, अभी तो आप लोग अलग हुए हैं, तब आप लोग क्या बोले थे, तब आपका वर्डिक्ट मैं बता रहा हूं आपको। वन मिनट सुनिए। सबसे पहले तो वी आर वेरी सॉरी, आपने पहले कहा था कि आपके प्रोग्राम में आना हम लोग नहीं आ सके रिकॉर्डिंग के कारण, मुहूर्त का गाना है, लेकिन आप
आपके बारे में क्या कहा जाए, मैंने अलका जी से भी कहा है आपके बारे में। देखिए उनका बड़ा भाई क्या बोल रहे हैं, आपकी गिनती गोल्डन एरा के सिंगरों में हो सकती है क्योंकि आपने बहुत बहुत अच्छे गाने गाए हैं, आपकी आवाज बहुत सिनेमेटिक है और जो भी हमारे गाने गाए आपने हम लोगों को 100% सेटिस्फेक्शन दिया। दादा वो एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है आपके साथ, बहुत अच्छा था कि हम लोग एक गाना बना रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे फिल्म सेंटर में, कहती है दिल की लगी, और हम लोग वो गाना जैसे जैसे अरेंज होते जा रहा था आप चुपचाप बैठ के हम लोग के पीछे साथ खड़े थे और मैं कुछ कागज़ में लिख रहे थे, फिर जब ट्रैक पूरा हो गया तो हमने कहा कि दादा चलिए आइए रिहर्सल करिए गाना रिकॉर्ड करते हैं, तो आपने कहा कि नहीं नहीं तुम लोग मेरे को माइक में खड़ा करो मेरे को गाना याद है। देखिए और आपने वो गाना बिना रिहर्सल के बहुत अच्छा गाया, बिना रिहर्सल के। हम लोग दोनों आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहते हैं। देखिए आप तब क्या बोल रहे थे, इतनी मेहनत की, इतनी रिहर्सल की और इतना अच्छा काम किया हमारे साथ ही नहीं बल्कि कई लोगों के साथ, और वी विश यू मेनी मेनी हैप्पी इयर्स ऑफ लवली सिंगिंग टू कम। देखिए तब आप बता दो, ये हो गया। और एक शो ये भी आपका स्टार में आया था, स्टार टीवी में, स्टार प्लस में, तब आपने अभिजीत जी के साथ फाइट किया था, किसको? कुमार शानू जी को लेके। ये भी आप लोग सुनिए, ये देखिए वो आनंद आ गया हम लोगों को यहाँ, मजा आ गया। आपका बड़ा भाई क्या बोला जगजीत जी, ये आपको बताओ वॉइस क्वालिटी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताएंगे जब ऐसा लग रहा था जैसे कुमार शानू जी को सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि हर्षित को सुन रहा हूँ, बस अब अगर इशारा ही काफ़ी है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुमार शानू की तरह गा रहा है, ये इसकी अपनी एक आवाज़ है, अपनी एक आइडेंटिटी है, और ये जो इसमें किशोरदा वाली जो ट्रैक था उसका, उससे ये थोड़ा सा हट के इसकी ओरिजिनलिटी आ रही है। ऐसा अक्सर होता है कि जब किसी का गाना गाओ सुनते सुनते और अगर आपकी आपकी आवाज कहीं जरा भी उसी जॉनर की आवाज हो तो वन टेंड्स टू यू नो, क्या है ना वो टोटलिटी में जो मजा आया ना, जो रिकॉर्डिंग में मजा आ रहा था वो मजे को रिवाइव कर दिया इसने, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से शान कंपोजर को इतना मजा आ रहा है इस गाने का, ये बहुत बड़ी बात। मैंने यही कहा, मुझे ऐसा लगा कुमार शानू गा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा अभिजीत जी अगर कुमार शानू की तरह गा रहे हैं तो उसमें मतलब बुराई क्या है? मतलब मैंने आपको क्या बोला कि बुरा? अरे शानू शानू कोई ऐसा 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 सिंगर है क्या? बुरा आप बोल रहे हैं शानू, मैंने कहा मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हर्षित गा रहा है, मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कुमार शानू गा रहे हैं, तो आप उसको बुरा क्यों कह रहे हैं? मेरी क्या समझ नहीं आ रहा, मैंने तो यही बोला क्या हर्षित लग ही नहीं रहा है और जो कुमार शानू गा रहा है, शानू अगर नहीं गाता है इतना अच्छा तो शानू को हम लोग गवाते नहीं यार, शानू इज अ लेजेंड बहुत अच्छा। देखिए शानू इज अ लेजेंड आप खुद बोल रहे हो, आप खुद बोल रहे हो शानू इज अ लेजेंड, अभी आपका क्या हो गया? और भी है लाइव प्रूफ, मैं दिखाऊंगा आप लोग को। तब आपके साथ एक साथ में बैठ के शानूदा ने इंटरव्यू दिए थे, उनका भी सुनिए। फेड आउट नहीं हुआ, तुझे देखा तुझे जाना सनम गाना कभी फेड आउट होगा क्या? आपको लगता है इटर्नल हो गए ये गाने? दीज आर ना कल्ट सॉन्ग्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। ये सब लेके आके मुझे को पूछ रहा है काश के हम वो गाना गाएं। देखिए मैं एक कुमार शानू के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए म्यूजिक जो होता है और जो सिंगिंग होती है ना, सिंगिंग स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ लगनी चाहिए आपको, इनकी आवाज़ में ही वो बात है, जो इमोशन जो ये लेके आते हैं, इमोशन जो लेके आते हैं वर्ड्स में और साउंड में ओपनली, वही बहुत ज़्यादा खासियत है इनकी। एक गाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही लेवल में पूरा गा दें, उसके डायनामिक्स होने चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मैच्योरिटी होती है, वो इनमें भर के भरी पड़ी है और इतनी भरी पड़ी है कि जब गाना गवाते हैं तो ये जो खुद ऐड करते हैं उसमें, दैट प्लेज अ मेजर 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 पार्ट। लगा सुना गाना दे खामोशिया दिल लबों पे है, ठीक है बिल्कुल, दिल में है बातें कई, देखे दिल में है बातें कई, ओ खामोशिया लबों पे है दिल में है बातें कई, दिल में है बातें कई। देखिए कितना खूबसूरत इनका रेंडिशन है और ये गाना भी ऐसा लगता है इन्हीं के लिए बना। अभी उदित को मैं कहां से गवा दूं बताइए। जिसकी जो गाना होता है उसको ये नसीब, ये नसीब की बात है, आपको जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ ना कोई नहीं छीन सकता, सो डोंट थिंक अबाउट,
जो होता है होने दो। कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? आप तो गाना लिखा किसने? ये आलोक अच्छा वन सेकंड अच्छा उदित वाला झा ये सोच रहे मैं मजा कर रहा हूँ। अच्छा आलोक रंजन झा जी ने ये गाने को इतना खूबसूरत लिखा और अलका जी मैंने तो कंपोजिशंस के बारे में तो मैंने बोली इतना खूबसूरत कंपोजिशंस है। बहुत दिन बाद एक तसल्ली हुई गा के भाई वो लग रहा है कि मैं जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रहा था उस दिन ऐसा लग रहा था कि हम 90s में बैक होके जतिन के साथ ललित के साथ हम स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं उस तरह से ललित हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये कर रहे हैं तो एक बड़ा बड़ा खूबसूरत फीलिंग था उस दिन इस गाने का। हाँ। इसलिए गाना भी अच्छा हुआ आई थिंक बहुत बहुत अच्छा। हाँ साथ में अलका जी भी थी। हाँ तो अलका जी रहते तो आपका क्या होता है बोलिए तो जब आप शानुदा के साथ करते हो तो आप शानुदा को हाइप करते हो जब अभी आपका जो नया गाना है वो आप अभिजीत जी के हाइप कर लो आप क्यों शानुदा को ऐसा बोल रहे हो बोलिए तो शानुदा ने क्या किया है पर्सनली कुछ आपको कुछ किया है क्या या आपका कुछ मन में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जो उनको थोड़ा पब्लिक के सामने में उसको थोड़ा हर्ट किया जाए उसको इंसल्ट किया जाए अब दूसरा सिंगर को आप ऐसा करके एक गोल्डन एरा का सिंगर को आप आपका जो मर्जी आप ऐसा बोल रहे हो ऐसा तो ठीक नहीं यार। और एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए कंपोजर जी शानुदा ने जो गाना गाए हैं ये 90s में आपका गाने को शानुदा ने गा के आपको हिस्ट्री में लाए हैं वो गाना। अगर शानुदा उस गाने के लिए राजी ना होते तो ये गाना कभी हिट नहीं होता था ये आपको भी पता है जो शानुदा कैसे गाते हैं और उनका जॉनर में कौन सा गाना ठीक सही लगता है ये आप ही को पता है या आपका माफी जितना भी आपका म्यूजिक डायरेक्टर है सभी को पता है। और भी एक प्रूफ दूंगा मैं ये देखिए शानुदा ने ओपन स्टेज में क्या बोला था शानुदा तो ऐसा बोलते नहीं ना उनका जो मन में दुख होता है वही हो कलकत्ता में एक स्टेज शो हो रहा था उस स्टेज शो के दौरान उन्होंने ये बोला है देखिए যতদিন বাঁচব ততদিন এই লাইভ দেখে সবার সামনে মাইক নিয়ে গাইব কোন রকম ছল কপটি ট্র্যাক চালিয়ে ক্লাস 1 চালিয়ে নো নো বল রহে যে মে কবি ভি আপনে ফ্যান কো ধোকা নহি দুঙ্গা শানুদা এই বল রহে বেঙ্গলি মে যদি খারাপ হয় চেষ্টা করব দুবার গাইতে হয় না আরে 35 সাল 35 ইয়ার্স He was in Bollywood film industry. সেজন্য বলছি যে আমার যে ফ্যান্স যারা থাকবে আমার যারা দর্শক তাদেরকে জীবনে কোনোদিন আমি চিট করব না এটা আমার নিজের উসুল যেটুকু গাইতে পারি সামনে দাঁড়িয়ে গাইব খোলা গলায় গাইব আমি সমস্ত ব্যান্ড বন্ধ করে দিচ্ছি এখন টোটাল ব্যান্ড স্টপ এক মিনিট তুমি अपना बनाने क्या गा रहे कसम ओपन माइक पे खाई है विदाउट एनी बैंड खाई है तेरी आंखों में चाहत ही नजर आई है कसम खाई है आई है नजर आई है साला बांग्ला छेले एतो तातारी हेटे जावो ना एतो तातारी हमें छोड़ाते पारवे ना यस लड़ाई सारा जीवन चलवे कोनो असुविधा नहीं কিন্তু হাটানো বড় মুশকিল আছে কিন্তু আরেকটা গান আছে আরেকটা কি গান জানো বলছিলি তুমি মেরি হ্যায় প্রেম কি ভাষা লিখতা হুঁ তুঝে রোজ জরা সা করে করে কাগজ জিন পে পে কস করে করে কাগজ জিন পে পে কস लिखता हूँ ये खुलासा
तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। आप लोग ये समझोगे कि मैं बायस हूँ, मैं शानुदा का अंध भक्त हूँ, ऐसा नहीं है। जो कोई भी सिंगर, जो कोई भी इंडस्ट्री में है, उन्होंने कुछ ना कुछ इंडस्ट्री को काफ़ी दिए हैं। आप किसी का सिंगर को भी नाम लीजिए, और शानुदा अरिजीत सिंह के बारे में बोलते हैं, शान के बारे में बोलते हैं, सोनू निगम जी के बारे में बोलते हैं, उदित नारायण उनके खास प्यारे दोस्त में से एक है, अभिजीत जी उनके दोस्त हैं। आप किसको बोलिएगा? आप किसी को, आप ऐसा मत सोचिए जी मैं एक बायस होके मैं ये रिकॉर्डिंग माने ये पॉडकास्ट या तो ये इंटरव्यू या तो जो मेरा जो दिल का जो बात है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी भी मत कीजिए। आइंदा किसी को भी पब्लिकली बोलने से पहले 10 बार सोचिए जी इसका एक्शन एंड रिएक्शन क्या आएगा। जैसे मैंने जो प्रूफ दिया है दैट इज़ अ लाइफ प्रूफ, कोई भी मेरा बनाया हुआ या तो सजावट नहीं है, मैं हर एक चीज़ लाइफ में आपको प्रूफ दे रहा हूँ। अगर चैनल में आप लोग नए हो काइंडली इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक बात हमेशा याद रखें, किसी को छोटा करके कोई आदमी बड़ा नहीं होता। शानुदा ऐसा एक आदमी है, ऐसा एक गोल्डन एरा के सिंगर है जो आज भी हम सभी के उनको उनके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं। सबके दिलों में शानुदा बैठते हैं, सबके मन में दिलों में हार्ट में शानुदा बैठते हैं। अभी भी शानुदा का गाना हम लोग सुनते हैं छोटा से लेकर बड़ा तक। और किसी किसी का मैंने पहले भी बोला है, किसी किसी का जो परिवार, उसका संसार, उसका घर, उसका बच्चे का खाना पीना सब कुछ ये गाना गा के ही हो रहा है। कोई कोई शानुदा को गुरु मानते हैं, भगत मानते हैं अपना। और आपने क्या किया? करोड़ों करोड़ों जो शानुदा के फैंस हैं, हम सभी सिंगारों के फैंस हैं, बट बेसिकली आपने शानुदा को टच किया है, शानुदा को हिट किया है। एक बार नहीं, दोनों इंटरव्यू में आपने ऐसा किया है। और आपका प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स है जो मेरे पास है, वो सब रिकॉर्ड्स मैं ऑलरेडी मैं सबको दे चुका हूँ, उसमें आपका मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मालूम हो रहा है। आप एक एक टाइम में एक एक पर्सनैलिटी को ये आपका ये कर रहे हो। कभी आपके पास शानुदा अच्छा हो जाता है, कभी आपके पास अभिजीत अच्छा हो जाता है, कभी उदित नारायण अच्छा हो जाता है, कभी सोनू निगम अच्छा हो जाता है। गुरुजी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत करो, किसी को दिलों में दुख मत दो। शानुदा ऐसा एक आदमी है, किसी को कभी भी उन्होंने किसी को भी पब्लिकली अनपब्लिकली शानुदा ने किसी के बारे में भी बड़ा भूला कभी भी नहीं कहा। वो हमेशा सबकी तारीफ करते हैं, सभी म्यूजिक डायरेक्टर की तारीफ करते हैं, सभी सिंगरों की तारीफ करते हैं। और कविता जी ने तो खुद ये किया जी, तब शानुदा इतने 90s में इतना बिजी थे जो उनको टाइम ही नहीं मिलता था। और 1942 लव स्टोरी जो मूवी है, वही मूवी के दौरान पंचम दा ने बोला था शानुदा को जेना शानु तुम और कविता जी एक साथ मिलके ये ड्यूट करोगे, रिमझिम रिमझिम। समझ में आया आप लोग? दोस्तों यही बोलना था मुझे, मेरा जो मन का जो दुख था मैं आके आप लोग के साथ शेयर किया। काइंडली इसको आप लोग गलत तरह मतलब जो गलत तरीका से मत लीजिए इसे। मेरा मन का जो भड़ास था वो मैंने निकाला। क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि आप डायरेक्टली उसे हिट कर रहे हो, एक इनोसेंट पर्सन को हिट कर रहे हो जो उचित नहीं है। इनोसेंट को कभी भी हिट करना नहीं चाहिए, जो किसी के पास माने सामने पीछे कभी किसी का बड़ा बुला बोलते ही नहीं है, आप उसी को हिट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक ही बोलना था। अगर चैनल में नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और हाँ, इस कन्वर्सेशन को अगर आपको अच्छा लगा काइंडली आप इसे बहुत ज़्यादा 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 शेयर कीजिए, और लाइक्स बहुत ही कीजिए, कमेंट्स भी बहुत कीजिए, मतलब इतना कीजिए जे जिन्होंने ये किया है उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। मैं यही दुआ करूँगा। थैंक यू।